हे जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज संडे है तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं मक्खन निकाल रही हूँ। आज ये देखो गाइस, मैं मक्खन निकाल रही हूँ और मैंने मलाई को जस्ट फेटा है थोड़ी देर और फिर इसमें ये बर्फ़ डाल रही है। लोग इसमें ठंडा पानी डालते हैं, मैंने सीधा बर्फ़ डाल दिया, तो बर्फ़ डालने से ज़्यादा अच्छा वो मक्खन निकल रहा है। तो आप भी ट्राई करके देखना, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो कुछ देर तक चलाने के बाद में, मतलब फेटने के बाद, इसे इस तरीके से इसमें मक्खन निकल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा पानी है वो साइड पे जा रहा है, ठीक है। पहले मैं निकालती थी तो काफ़ी गाढ़ा सा ना, जो लस्सी टाइप होती है वैसे निकलता था, अभी एकदम बारीक वाला। गाइस काफ़ी दिन हो गए मैंने ओट्स नहीं खाए, तो अभी मैं ओट्स बनाऊंगी आज, नमकीन वाले। और मम्मा ये बना रहे हैं लौंजी और ये पता नहीं क्या है, ये कद्दू की सब्जी बना रहे हैं ये। गाइस मैंने राई डाल दी, अब इसमें मीठा नीम डाल देते हैं और ये हरी मिर्ची डाल दी और जो मैंने प्याज काटे थे वो साथ डाल देती हूँ। ये प्याज अभी भून रहे हैं, थोड़े से लाल लाल इनको भून लेंगे। अब मैं इसमें से दो मुट्ठी ओट्स डाल लेती हूँ, दो नहीं ज़्यादा डालूंगी, लक्ष्य और दामिनी भी खाएंगे। पहले मैं इसमें हल्दी टमाटर भी डाल देती हूँ, इस बार मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इस टाइप से बना देती हूँ। ये सब्जी अभी बनी नहीं है। ये गाइस बन चुका है और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सूजी का जो उपमा है वो बनाया है, बट है ओट्स। की हो गया प्रिंट, लड़ गए दो, एक नहीं दो लड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे। आज संडे है तो घर में साफ सफाई चल रही है। ये बैठे हैं हमारे लल्ला, खिलौने लेकर बैठे हैं, बंसी लेकर, ज्यादा मेहनत तो होगी। पहला भी यहीं लेके गए थे पापा, ऐसे ही गए हैं दोनों, गिरना जाए बस। चलो बाय। अब मैं ये मैट धोऊंगी, संडे पता नहीं क्या है, सारा दिन काम में ही निकल जाता है। वाजीवा कितने चवा है, कहते बनाना शेक बनाया अज मुंडे ने ना, अज असी किस्मत लवली किस्मत दा व्लॉग अज असी बना रहे हैं। और है हैगा, और हैगा जी, हैगा मिल जाएगा अज तुम व्लॉग असी बनाया करांगे। हेलो किस्मत, आए कर दे, खा लो रोटी खा लो, तू जाना नहीं है, की लेना की मंग दी लक्ष्मी, तो मां ते ठंडा की है, की लेना किसे दा, तो से जान दे क्यों नहीं। कितनी धूप आ गई यहाँ पे, पर यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती कि आपको पसीना आए अभी। गाइस ये देखो मेरे लल्ला कितने सुंदर लग रहे हैं, आज मामा ने इनको कैप वाली ड्रेस पहनाई है, कितने सुंदर। ये खा के चुके हैं खिचड़ी, मन कर रहा है यहीं पे बैठी रहूं मंदिर में, लेकिन मैं इनको अपने साथ लेके जा रही हूँ अभी रूम में, आधा एक घंटा मैं इनको खिलाऊंगी, फिर मैं अपना काम करूंगी स्ट्रेचिंग वगैरह, फिर इनको खिला दूंगी। सुबह ना मैंने एक भजन सुन लिया, तो अभी मेरे मुंह पे ही चढ़ा हुआ है वो वाला, पता कौन सा, कि भूल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसी कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं मैं हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। क्या कर रहा है, अच्छा और सुन ना, और बाबू सुन ना, कब आएगा हमारे घर, 8 तारीख को हमारे घर आएगा, अगर तेरी मम्मी नहीं लाई तो आ जाएगा तब भी। वैसे आज मैं ये वाले कपड़े की आज अपनी फ्रॉक बना रही हूँ, ये ग्रीन वाला सूट बनाऊंगी, ये देखो इसका प्रिंट कितना अच्छा है, तो इसकी अभी मैं फ्रॉक बना रही हूँ, ठीक है। किस्मत की कर दी पई है, सूट कटवाने हो तुसी है, किधर सूट कट दे पे हो, सियों के भी देना है फिर, ठीक है बुआ दा के अपना,
अभी मैं सिलाई करूँगी तो मैं तो अपने लल्ला को अपने पास ही बिठाऊँगी, मेरा नहीं मन लगता, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही बैठे रहे, ठीक है, तो मैं इनको उठा के ले जाती हूँ, वहीं बिठाऊँगी। लड्डू रानी की खादी पई है की खादी पई है लड्डू अल काका लला लेना काका लेना। गाइस मेरे पास ब्लैक रील नहीं है तो मैं ये जो पिंक सूट है ये मासी का सूट है तो मैं ये वाला सूट अभी सील लेती हूँ, बिकॉज मेरे पास ये पिंक रील है अभी तो अपना नहीं सील पाऊंगी, मासी का ही सील देती हूँ। गाइस ऐसे मंदिर में ना कान्हा जी मिले नहीं है तो अभी अंदर आने को कर रही है, मेरे पास देख लिए इन्होंने आई आई काके ने मिलन आयो कितिया काका कितिया काका काका तुसी नहीं चक सकते गोदी नो। कान्हा जी को मैं छोड़ के आई हूँ अभी मंदिर में और देखो ये खिला रहे हैं। अभी हम कैफे में आए हैं सैंडविच लेने, ऑर्डर करने आए हैं, लेने तो बाद में आएंगे, ठीक है। और ये देखो किस्मत कैसे है, चॉकलेट खा रही है गंदी जी, किस्मत खाओ इन, किस्मत खाओगी सैंडविच दीदी कौन खाऊ, किस्मत खाऊगी, किस्मत दी सारी निगा इधर पे सब दी निगा है ना सैंडविच ते, ये स्नैप आ रही है।